जैक द रिपर, जैक द रिपर, जैक द रिपर है, रिपर, RIPPER, रिप होता है ना, रिप, रेस्ट इन पीस, वो वाला रिपर। तो जैक द रिपर, चलो जैक द रिपर में वैसे बता देता हूँ कि लंदन में क्या हुआ था 19th century में, जैक द रिपर पे बड़ा शोर मच गया था लंदन में बहुत ज़्यादा। तो होता क्या था कि मतलब टेक्निकली अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो लंदन जो है वो दुनिया का सबसे गंदा शहर है। गंदा, आई एम नॉट, बाय गंदा आई डू नॉट मीन डर्टी कि वो वहाँ पे गंदगी कूड़ा पड़ा रहता है, वो वाला गंदा नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ वहाँ का जो कल्चर बिगड़ा है या ये कह लो कि वहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ होने लगी है, उस मामले में वो दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हॉटस्पॉट हैं स्पाइस के लिए, टेररिस्ट के लिए, मनी लॉन्डरर्स के लिए, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के लिए और इवन हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए। तो लंदन उनमें से एक है, जैसे दुबई हो गया, लंदन हो गया, मोरक्को हो गया, मोरक्को तो खैर देश है बट छोटा सा ही है, मोरक्को हो गया, सिंगापुर हो गया, कतर हो गया, केमन आइलैंड्स हो गया, पनामा हो गया, इस तरह की जो जगहें हैं। तो और जो लंदन है वो उस ज़माने में 19th century में जब इंडिया गुलाम था, इंडिया के पास अपनी फ्रीडम नहीं थी, तब भी लंदन में दुनिया भर के लोग अलग अलग जगह से आते थे क्योंकि भाई उन्होंने हर जगह अपने जो टेंटिकल्स थे वो फैला रखे थे ब्रिटिश एम्पायर ने। तो दुनिया भर के वहाँ पर लोग, अब तुम अब किसी के देश में घुसोगे तो उस देश के कुछ लोग तुम्हारे भी यहाँ भी आएंगे। तो लंदन जो था वो एक मेल्टिंग पॉट सा बन गया था, वहाँ पर दुनिया की हर एथनिक कम्युनिटी, हर रिलीजियस कम्युनिटी, हर देश के लोग वहाँ पर मौजूद थे। आज भी है, आज भी वैसे ही है लंदन। तो 19th century में क्या होता, वहाँ पर जैक द रिपर का बड़ा आतंक हो गया था। और ये आतंक क्या था सॉरी एक सेकेंड यार ये आतंक ये था कि जैक द रिपर, उसको नाम दिया गया था, वो एक सीरियल किलर था जिसने लंदन में जवान औरतों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। रात में अक्सर कई जवान औरतों के मर्डर्स होने लगे और बहुत ही ग्रूसम मर्डर्स होने लगे, मतलब भयानक मर्डर्स। हाथ अलग मिल रहा है, पैर अलग मिल रहा है, सर कहीं और है, शरीर पे मल्टीपल कट्स और वूंड्स, खून मतलब इतना, इतनी बुरी तरह से मारा काटा गया है कि जो ब्लीडिंग जो है, जो खून खराब है वो पूरी सड़क पर फैला हुआ है, ठीक है। तो उस तरह की चीज है। और ऐसा कहते हैं कि जैक द रिपर कभी पकड़ा नहीं गया था, ठीक है, मतलब ही इज वन ऑफ द वर्स्ट सीरियल किलर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। मैं एक बार थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ टू इंश्योर कि मैं सही कह रहा हूं। हाँ जी, और लंदन में ना एक एक कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर जो है वो एक्चुअली ये है कि जैक जो नाम है ना वो बेसिकली एक तरह का वो है, जैसे हम लोग अपने आप बोलते हैं ना, अबे ओए ओए बात सुन बे, ओए छोटू, ओए पुत्तन, छुट्टन, पप्पू, बबलू, उस तरह का ही एक तरह का स्लैंग है, एक तरह का निकनेम है। तो जिसको भी किसी का नाम नहीं पता होता तो वो पहले उसको जैक कह के ही बुलाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ नॉट द रियल नेम बट ये बट इसको इस तरह का रिपर इसलिए बिकॉज रेस्ट इन पीस कर देता था वो अपने शिकार को, तो वो उसको रिपर कहा गया था। बट द प्रॉब्लम विद जैक द रिपर वॉज कि ना तो उसे कोई पकड़ पाया और ना ही उसकी सही आइडेंटिटी किसी के पास आई। किसी के पास जैक द रिपर की फोटो नहीं है। और लंदन का एक एरिया है वाइट चैपल, जिसके बारे में आप लोग ड्रैकुला द अंडेड में पढ़ोगे, तो वाइट चैपल जो था ना वो लंदन का थोड़ा सा रेड लाइट एरिया और थोड़ा उस तरह का एरिया था। वहाँ पर काफ़ी प्रोस्टिट्यूट्स और इस तरह के औरतें रहती थी, गरीब लोग रहते थे, लेबरर रहते थे, थोड़ा गंदा सा एरिया था। गंदा एज इन वो वैसे भी गंदा था, आई मीन
हाइजीन वाइज भी गंदा ही था। तो वहां पर उसका आतंक बड़ा भयंकर था और जो उसके शिकार होते थे वो बेसिकली रात को घूमने वाले प्रोस्टिट्यूट्स होती थी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जैक द रिपर। बट द कैच इज कि ना उसे कोई पकड़ पाया, पकड़ना तो छोड़ो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया। उसे लेदर एप्रन किलर भी कहते थे, व्हाइट चैपल किलर भी कहते थे, बिकॉज व्हाइट चैपल के एरिया में ही उसके शिकार होते थे। तो ऐसा ऐसा सीन है।